मैडम मध्यपाल जी और उनके साथियों ने बहुत सुंदर बच्चों को जानकारी दी। और आजकल समाज में बहुत सारी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जिसमें महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। वाकई में आपकी जो आज आपने जो प्रशिक्षण दिया और बच्चों को बहुत कुछ बताया उस प्रशिक्षण के माध्यम से, तो किस तरीके से हम अपने माता पिता का कहना माने और कौन गुड टच बैड टच के बारे में जो आपने बताया और उस अपनी सुरक्षा के लिए हम किन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ जानकारी दी जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं छात्राएं हैं निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगी और ये अपने और आसपास रहने वाले बच्चों के को अपने माता बहनों को इस बारे में जानकारी देंगी जिससे कि समाज में हमारी बच्चियां हैं सुरक्षित रहें और अपना कार्य निर्भीक और निर्विघ्न रूप से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपने यहाँ जो बच्चों को दिया है सभी बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं और सब बहुत खुश भी हैं। आप देख रहे हैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, तो बहुत बहुत पुनः धन्यवाद आपकी पूरी टीम। मेरी सभी सहपाठी और आदरणीय चेतना संस्था के जनमत, आप सभी को बेटा मेरा गुड मॉर्निंग। और बेटा मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, हम लोग भी पांच बहन हैं आज भी हैं और ये चीज जो आप सिखाई जा रही है आत्मसुरक्षा की, आपको शायद विश्वास नहीं होगा आज मेरे पापा 98 इयर्स के होते यदि 2005 में वो शांत हो गए, लेकिन उन्होंने हम पांच बेटियों को पांच बेटों की तरह पाला और कभी भी किसी भी बेटी को डरने नहीं दिया और वो हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ने की उत्कृष्ट करते रहे। और वो बोलते थे बेटा रास्ते में कोई गड़बड़ करे बिल्कुल साइकिल से जा रहे हो एक पैर दूसरे की साइकिल पर मार दो अपने आप गिर जाएगा, या रोक के सीधे अपनी ड्यूटी उतारना स्कूल की और मार देना, बिल्कुल यह आत्मसुरक्षा तब भी थी और आज भी है और यही उनकी प्रेरणा यही मेरा आत्मविश्वास मुझे आज यहाँ तक लाकर खड़ा।